हाय हेलो माय डियर किड्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? घर में टीवी और कार्टून जरूर देखते होंगे। मुझे पता है आपको कार्टून देखना बहुत ही पसंद है ना? यू मस्ट बी वॉचिंग टीवी, यू मस्ट बी वॉचिंग द कार्टून नेटवर्क, है ना? स्टोरी देखना बहुत पसंद होगा आप सबको। आपने देखा है टिड्डा और चींटियों की कहानी? क्या आपने देखा है ये वाला कहानी अपने टीवी कार्टून में, या सिर्फ आप दूसरे कार्टून्स देखते हैं, छोटा भीम या कुछ और ऐसे ही देखते हैं क्या? आप क्या कहानियों वाले कार्टून देखते हैं क्या? यस, यू मस्ट सी। आप बाकी कार्टून के साथ साथ आप कहानियों वाला कार्टून भी जरूर देखिए, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे स्टोरीज होते हैं। सो चिल्ड्रन, आई एम योर टीचर सफीना एंड आई टूडे ऑल्सो वेलकम यू ऑल इन माई इंग्लिश क्लास। एंड टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अ ब्यूटिफुल स्टोरी, very interesting story and a beautiful moral story of your Marigold book 2, and the lesson name is, and the name of the lesson is the grasshopper and the ant. ye story ka naam hai the grasshopper and the ant. iska matlab kya hai? what is grasshopper? jaisa maine abhi bataya tidda, use hum hindi mein tidda kehte hain, और एंट का मतलब क्या है? चींटी। तो हम चलिए पढ़ते हैं स्टोरी, द ग्रास हॉपर एंड द एंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द लेसन। जैसा हम हमेशा करते हैं बच्चों, फर्स्ट यू शुड रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले आपको लेसन को रीडिंग करना है आहिस्ते आहिस्ते विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और जहां पे फुल स्टॉप है, जहां पे कॉमा है, वहां पे आपको रुकना है। वैसे ही आपको सही तरीके से लेसन को रीड करना है ताकि आपको स्टोरी सही तरीके से समझ आए। इफ यू रीड द लेसन करेक्टली देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी वेरी वेल। सो चिल्ड्रन, लेट्स रीड द लेसन। वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रास हॉपर। ही डिडंट लाइक टू वर्क। ऑल डे लॉन्ग He sang songs and played in the warm sunshine. Hee-hee, look at me. I am as happy as can be. The grasshopper laughed at the hard-working ants as they worked day and night. We are storing grain for the long winter ahead, they replied. The lazy grasshopper only laughed louder. Summer ended and the cold winter arrived. The wind blew strong and it started snowing. The grasshopper now began to worry. There is no food to eat, no grass, no flowers or leaves. I can't see even the tiniest fly or worm. What will I do? I will surely starve, he cried. Let me meet my kind neighbor, the ant. The grasshopper remembered how the hard-working ant had stored away grain for the winter. He knocked at her door. Dear ant, I am hungry and cold. I have nothing to eat. Please, can you give me some food? The ant shook in anger. Lazy one, what were you doing all summer? You were only singing and dancing. You should have thought of the cold winter months ahead. Go away. She slammed her door shut. The lazy grasshopper
was left as hungry as before. So children, this story has been adopted from Aesop's Fables. Aesop's Fable means, children, जैसे हमने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी हैं, है ना, एक किताब में बहुत सारी कहानियों का ढेर होता है, वैसे ही ये कहानी जो है ये भी Aesop's Fables से लिया गया है, जिसमें बहुत सारी मॉरल स्टोरीज होती है. This story has been adopted from Aesop's Fables. Okay, ये स्टोरी जो बुक है उसमें से ये स्टोरी लिया गया है. So we will read the lesson again and we are going to understand the story also. So children, let's read out the lesson once again and understand the story. Story को समझते हैं. Once there lived a lazy grasshopper. एक बार की बात है, एक lazy grasshopper. Lazy का मतलब क्या है? जो बहुत ही सुस्त हो, काम चोर हो, जिसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं हो. और grasshopper मतलब है टिड्डा. एक टिड्डा है जो बहुत ही लेजी है, उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है. He didn't like to work. उसे काम करना पसंद नहीं है. All day long he sang songs and played in the warm sunshine. वो पूरा दिन, all day long मतलब पूरा दिन, सुबह से शाम तक वो क्या करता है? Sang songs, गाना ही गाता रहता. और played in the warm sunshine, वो धूप में, वार्म सनशाइन में, चमकती सूरज के नीचे दिन के समय क्या करता रहता है? गाना गाता रहता और खेलता ही रहता है. ही लुक एट मी, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी. द ग्रास हॉपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग एंट्स एज दे वर्क्ड डे एंड नाइट. और वो खेलते खेलते क्या कहता हमेशा? ही आई एम very happy. क्या बोलता? देखो, look at me, मेरी तरफ देखो. I am as happy as, मैं कितना happy हूँ, मैं कितना happy हूँ, as can be, मैं जितना खुश हो सकता हूँ मैं खुश हूँ, मेरी तरफ देखो. The grasshopper laughed at the hard working ants. और ये कहता भी है, और वो ants के ऊपर, चींटियों के ऊपर वो हंसता भी है, उनका मजाक भी उड़ाता है. और क्या कहता है वो? As they work day and night, उनको देखकर वो उनका मजाक उड़ाता है, उनको देखकर हंसता है. क्यों? क्योंकि वो दिन भर मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग है उन लोग. क्या करते हैं वो? वैसे भी बच्चों, आपने कभी भी देखा होगा जो चींटियां हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग हमको भी दिखाई देते हैं, है ना. कैसे? जब भी आप देखें कि चींटियां अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर ही चलती हैं. वो क्या लेकर चलती हैं बच्चों? वो अपना खाना इकट्ठा करते हैं. जब वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, उस समय के लिए, उन दिनों के लिए वो अपने लिए खाना हमेशा इकट्ठा करते ही रहते हैं. आपने देखा होगा बच्चों, कभी भी कहीं पे चींटियां वो जाते हैं एक साथ, एक के पीछे एक लाइन बनाकर चलते हैं और सिर्फ अपना रास्ता ही देखकर चलते हैं. और उनका जो काम है वो करते ही रहते हैं, कंटिन्यूअसली हार्ड वर्किंग होते हैं वो, बहुत ही मेहनती होते हैं. वो कहीं दूर जाकर अपना खाना इकट्ठा करके लाकर अपना जो घर है वहां पर जमा करके रख देते हैं. तो ये काम देखकर जो टिड्डा है, जो ग्रास हॉपर है, उन पर हंसता है और क्या कहता है? देखो, मेरी तरफ देखो, मैं कितना खुश हूँ. We are storing grain for the long winter ahead, they replied. और जब वो उनको कहता है कि मेरी तरफ देखो, मैं तो बहुत खुश हूँ, तो ants क्या कहते हैं? चींटियां उनसे क्या कहते हैं? We are storing grain, हम स्टोर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं क्या? ग्रेन, दाना. कब के लिए? For the long winter ahead, जो विंटर अब आने वाला है, ठंड का मौसम आने वाला है, जो बहुत दिनों तक चलेगा, लॉन्ग विंटर आने वाला है, उस समय के लिए हम अपने लिए ग्रेन्स इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं. दे रिप्लाइड, वो उनको जवाब दिया, उन चींटियों ने उनको जवाब दिया. द लेजी ग्रास हॉपर ओनली लाफ्ड लाउडर. तब भी वो टिड्डा क्या करता है? उनको देखकर और जोर से हंसता है.
जैसे ही वे कहते हैं कि हम तो ग्रेन इकट्ठा कर रहे हैं, अगेन द ग्रास हॉपर इज लाफिंग। ओके, समर एंडेड। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ? समर, गर्मी का मौसम खत्म हुआ। एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड, और जो कोल्ड विंटर है, ठंड का मौसम, अराइव्ड मतलब आ गया है, पहुंच जाता है। गर्मी के बाद ठंड का मौसम आ गया होता है। द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग, अब ठंडी हवा चलने लगी है। विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग मतलब जो ठंडी हवा है स्ट्रॉन्गली चलने लगता है, बहुत जोर से ठंडी हवा चलने लगती है। एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग, और उसके बाद बर्फ भी गिरने लगता है। स्नोइंग मीन्स इट स्टार्टेड स्नोइंग मतलब बर्फ गिरना। जब ज्यादा ठंडी हवा चलती है तो बर्फ भी साथ में गिरने लगती है। द ग्रास हॉपर नाउ बिगैन टू वरी, अब ग्रास हॉपर को डर लगने लगा है, वो परेशान होने लगा है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। देयर इज नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स, अब उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है ना, ठंड का मौसम आ गया है, अब पेड़ों में फूल नहीं मिल रही है उसको, क्या नहीं मिल रहा है, नो ग्रास, घास पे उसको छोटे छोटे कीड़े नहीं मिल रहे हैं। टिड्डा क्या खाता है? छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं घास में, नीचे मैदान में, तो वो उसको खाता है। देर इज नथिंग टू ईट फॉर ग्रास हॉपर नाउ, अब ग्रास हॉपर के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। नो ग्रास, नो फ्लावर्स एंड नो लीव्स, अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आई कांट सी इवन द टाइनीएस्ट फ्लाई और वॉर्म, वो कहता है अब मुझे तो छोटे छोटे फ्लाई यानी कि छोटी छोटी मक्खियां जैसे जो घास पे उड़ते रहते हैं वो भी उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं, और वॉर्म मतलब छोटे छोटे कीड़े। तो ग्रास हॉपर इज वरीड, वो परेशान हो गया है, उसे अभी कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। वॉट विल आई डू, अब मैं क्या करूं, वॉट विल आई डू, आई विल श्योरली स्टार्व, वो कहता है अब तो मुझे श्योरली मतलब अब मैं जरूर, श्योरली मतलब जरूर स्टार्व करूंगा यानी कि भूख से तड़पूंगा। स्टार्व, एस टी ए आर वी ई, स्टार्व का मतलब है भूख से तड़पना, बहुत ज्यादा भूख लगना। द ग्रास हॉपर रिमेम्बर्ड, अब ग्रास हॉपर को याद आ रहा है हाउ द हार्ड वर्किंग एंड हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन, अब उसे याद आ गया कि कैसे हार्ड वर्किंग एंट यानी कि जो मेहनती चींटियां, उन्होंने कैसे अपने लिए ग्रेन दाना स्टोर्ड करके रखा हुआ है। उसने देखा था जब वो धूप में वार्म सनशाइन में खेल रहा था, गाना गा रहा था, एंजॉय कर रहा था, तब वो मेहनती चींटियां क्या कर रही थी, वो अपने लिए ठंड के मौसम के लिए अपने लिए खाना स्टोर कर रही थी। तो अब उसे याद आ गया कि उसकी जो नेबर्स है, उसकी जो पड़ोसी है चींटियां, उन्होंने अपने लिए तो बहुत सारे दाने जमा करके रखे हैं, वो उसे याद आ गया। He knocked at her door, उसने क्या किया, चींटियों के, वो चींटियों के घर गया और वहां से नॉक किया, उनके घर के दरवाजे में नॉक किया यानी कि खटखटाया। डियर एंट को बोला, डियर एंट बुलाया, आई एम हंग्री एंड कोल्ड, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और ठंड भी लगी है। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, नथिंग मतलब कुछ नहीं है खाने के लिए, टू ईट मेरे पास तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और बहुत ज्यादा ठंड भी लगी है। प्लीज कैन यू गिव मी सम फूड, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा खाना दे सकती हो, ये किसने कहा, ग्रास हॉपर ने अपनी जो फ्रेंड्स से पास में रहते हैं नेबर्स, उनके घर में जाकर उसने दरवाजा खटखटाया और ये बात उनसे कही। द एंट शूक इन एंगर, अब जो चींटियां हैं, एक जो चींटी दरवाजे पर आई वो गुस्से से तिलमिला गई, शूक इन एंगर मतलब
गुस्से से तिल मिलाना। लेजी वन, सुस्त खोर, उसने उसे जोर से चिल्लाकर कहा, सुस्त खोर। व्हाट वेर यू डूइंग ऑल समर, पूरे गर्मियों के मौसम में तुम क्या कर रहे थे? यू वेर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम तो पूरा दिन गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, तुमने सोचा होता कि विंटर का मौसम आने वाला है, ठंड का मौसम आने वाला है, उसके बारे में कुछ सोचा होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। गो अवे, चले जाओ यहाँ से। शी स्लैम्ड हर डोर शट। स्लैम्ड, स्लैम्ड का मतलब क्या है बच्चों? जोर से दरवाजा बंद करना। जब कभी हम गुस्से में होते हैं और बाहर से कोई हमें और गुस्सा दिलाता है, जैसे कि एंट को अब गुस्सा आया तो उसने क्या किया? शी स्लैम्ड हर डोर शट, मतलब जोर से दरवाजों को पटक के बंद कर दिया क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आया। वे तो पूरे समर में यानी पूरे गर्मियों के मौसम में सारे एंट्स मेहनत करके इतने सारे खाना अपने लिए उन्होंने ग्रेन्स जमा किए और ये जो सुस्त कोर ग्रास हॉपर आकर सीधा उनसे खाना मांग रहा है। जब उसे खाना अपने लिए जमा करना था वो काम उसने नहीं किया और उन्होंने जो इतनी मेहनत से अपने लिए खाना जमा किया वो आकर उनसे मांग रहा है, इसलिए उसे गुस्सा आया और वो उसे क्या कहा? गो अवे, आप निकल जाओ यहाँ से, और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। द लेजी ग्रास हॉपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर। अब क्या हो गया? ग्रास हॉपर को उन्होंने खाना नहीं दिया तो वो हंग्री यानी कि भूखा ही रह गया। तो बच्चों इससे आपको क्या पता चला कि यू शुड बी हार्ड वर्किंग, आपको हमेशा अपने लिए आगे के समय के लिए मेहनत करना चाहिए। और एक बात हम इस स्टोरी से सीखते हैं बच्चों, यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर टाइम, अपना समय को हम कैसे मैनेज करना हमें चाहिए, अपना समय को हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, आगे के समय के लिए हम आज के समय को कैसे मैनेज करें। आज अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका फल हमें आगे जाकर जरूर मिलता है। तो ये स्टोरी से हम यही सीखते हैं बच्चों कि यू शुड मैनेज योर टाइम एंड यू शुड बी हार्ड वर्किंग। आप आज अगर हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो इस मेहनत का नतीजा आपको आगे जाकर मिलेगा और वो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे एंट्स ने मेहनत किया, अपने लिए मेहनत किया, तो जब विंटर सीजन आया तो उन्हें आराम हो गया। उस समय वे घर से बाहर नहीं निकल सकते थे तो उनके पास खाने के लिए खाना जमा हुआ था। लेकिन ग्रास हॉपर, जब उसको मेहनत करना चाहिए था, जब ठंड के मौसम में खाना उसे नहीं मिलेगा ये बात उसे पता था, लेकिन उसने मेहनत नहीं की, अपने लिए आगे के समय के लिए खाना जमा करके नहीं रखा। जब विंटर सीजन आया तो वो भूख से तड़पने लगा, उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। और जैसे ही उसने जाकर अपने दोस्तों से खाना मांगा तो वो उसे देने के लिए इनकार कर दिए। तो दिस इज द स्टोरी चिल्ड्रन, यू शुड लर्न दैट यू शुड बी हार्ड वर्किंग एंड यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर टाइम, अपना समय को कैसे सही इस्तेमाल करना। आप अपना समय जो आपको मिलता है उस समय को आपको कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये चीज आपको सीखना जरूरी है। ठीक है चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन नाउ वी विल रीड द न्यू वर्ड्स। अब हम न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे। न्यू वर्ड्स, हार्ड वर्किंग, जैसा आपने देखा कि दिस वर्ड इज लॉन्ग, दिस इज अ लॉन्ग वर्ड, एक बड़ा सा वर्ड है। तो हाउ विल यू लर्न द स्पेलिंग? यू हैव टू ब्रेक द वर्ड, ये वर्ड को आप ब्रेक कर लेंगे। एच ए आर डी, हार्ड, पहले आप हार्ड को पढ़िए, उसके बाद डब्ल्यू ओ आर के आई एन जी, वर्किंग, हार्ड वर्किंग, लाइक दिस यू कैन लर्न द स्पेलिंग। ए आर आर आई वी ई डी, राइट, ए आर आर आई वी ई डी, राइट। एस टी ए आर वी ई, स्टार, S T A R V E, star, ये भी एक लंबा सा वर्ड है, तो आप कैसे स्पेलिंग पढ़ेंगे? S L A
M-M-E-D, slammed. S-L-A-M-M-E-D, slammed. So, what is the meaning of these words? Hardworking मतलब मेहनत करना. Arrive मतलब पहुंच जाना या आ जाना. Starve मतलब भूख से तड़पना. Slammed मतलब जोर से बंद करना. ठीक है? Reading is fun. How did the grasshopper spend his days? Grasshopper अपना पूरा दिन कैसे बिताता था? जितने भी दिन होते हैं वो अपना दिन को कैसे बिताता था? Yes, the grasshopper spent his days singing and dancing and playing in the warm sunshine. पूरा धूप में खेलते रहता था और गाना और डांस ही करता रहता. So children, how will you write the answer? The grasshopper spent all his days singing and dancing and playing in the sunshine. ठीक है, वो क्या करता रहता था? कड़ी धूप होती थी लेकिन वो गाना गाता रहता और डांस करते रहता और खेलता ही रहता था. प्ले इन द सनशाइन. ओके चिल्ड्रन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड द ग्रास हॉपर फाइंड फूड इन विंटर? अब जब ठंड का मौसम आ गया था, विंटर सीजन आ गया था, उसके पास खाने के लिए कुछ था? नो, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था. नो, द ग्रास हॉपर डिड नॉट फाइंड food in winter. In winter. Winter season में उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था. No, the grasshopper did not find food in winter. What did the ant tell the grasshopper when he asked for food? जब grasshopper ने आकर उनसे खाना मांगा, ant से, चींटियों से, तो उसने क्या कहा? उस चींटी ने उसे क्या कहा? कि चले जाओ, यहाँ से खाना नहीं मिलेगा. So what will you write the answer? The ant. What did the ant tell the grasshopper when he asked for food? जब उसने खाना मांगा तो उसको क्या कहा? उसने वहां से चले जाने को कहा. So children, you will write the answer. When the grasshopper asked for food, the ant asked him to go away. ठीक है? Now we will go to the next exercise. So children, let's talk. Now we will talk something. Okay? If you were asked to store things for winter, what would you store? Name any three things. अब चींटियों को क्या जमा करना था और ग्रास हॉपर को क्या जमा करना था, आपने देखा. लेकिन अगर हमें कहा जाए
कि विंटर सीजन के लिए आपको कुछ चीजें जमा करनी है। तो आप अपने लिए क्या क्या जमा करेंगे, क्या क्या जमा करेंगे बच्चों? जैसे कि हम जो मदर हैं, हम मदर क्या करते हैं, घर में अचार बनाकर रखते हैं। गर्मियों के मौसम में आम का अचार बनाते हैं, बेरी का अचार बनाते हैं, ताकि ठंड के मौसम में हम उसे आराम से खा सकें। तो बच्चों आपको क्या चाहिए अपने विंटर सीजन में, ये चीज आप सोचिए और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, ठीक है? विच सीजन डू यू लाइक द बेस्ट, आपको कौन सा सीजन अच्छा लगता है, सबसे अच्छा लगता है? विच सीजन डू यू लाइक द बेस्ट, सबसे अच्छा कौन सा सीजन लगता है? तो चिल्ड्रन, आई लाइक द विंटर सीजन बेस्ट, आई लाइक विंटर सीजन द बेस्ट, मुझे तो विंटर सीजन सबसे अच्छा लगता है। आपको कौन सा सीजन अच्छा लगता है, दैट यू कैन से, ओके, आप बता सकते हैं। टेल द क्लास द स्टोरी ऑफ ग्रास हॉपर एंड द एंट इन योर ओन लैंग्वेज। अब इस स्टोरी को, इस कहानी को आपको अपनी भाषा में कक्षा में क्लास में बोलना है, ठीक है? आप अगर मलयालम जानते हैं तो मलयालम में बोलिए, आप अगर बंगाली जानते हैं तो बंगला में बोलिए, ठीक है? सो चिल्ड्रन, दिस यू कैन डू इट एट योर होम और इन योर क्लासरूम। सो नाउ वर्ड बिल्डिंग। नो चिल्ड्रन, इन एवरी लेसन वी हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न न्यू वर्ड्स। आपको नए वर्ड सीखने के लिए दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? वर्ड बिल्डिंग, सर्कल द वर्ड्स दैट मीन द सेम। अब यहाँ पे आपको लिखना नहीं है बच्चों, यू हैव टू ओनली सर्कल द वर्ड, विच वर्ड, द वर्ड विच हैव द सेम मीनिंग ऑफ दिस कॉलम। यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे गए हैं उन वर्ड्स के सामने दो वर्ड्स और दिया गया है, उसमें से सेम मीनिंग कौन सा होगा, दैट वर्ड यू हैव टू सर्कल इट। नंबर वन इज स्पीक, स्पीक का सेम मीनिंग कौन सा वर्ड होगा, टॉक या शाउट। स्पीक का मतलब है बोलना, टॉक का मतलब ही बोलना है, बातें करना, शाउट का मतलब है चिल्लाना। तो विच वन इज करेक्ट, स्पीक फॉर स्पीक द सिमिलर मीनिंग इज, सेम मीनिंग इज टॉक, ओके? सो यू हैव टू सर्कल टॉक, you can circle like this, okay? Complete, what is the same meaning of complete, whether it is finish or start, finish ka matlab hai khatam karna, start ka matlab hai shuru karna, to complete means finish, okay? Small, small ka matlab hai chota, to ye jo word hai thin and little, which is the correct one, little, लिटिल का मतलब है छोटा, थिन का मतलब होता है पतला, ओके? सिक, एस आई सी के, सिक, यू हैव टू एनसर्कल द सेम मीनिंग, इल और स्टाउट, व्हिच इज द करेक्ट वन। इल का मतलब है बीमार होना, स्टाउट का मतलब होता है बहुत ही नाटा, बहुत ही छोटा सा, बौना सा, सो दिस इज द करेक्ट वन। देन बिग, बी आई जी, बिग, ये तो आप सबको पता है, बिग मतलब बड़ा है ना, तो एल ए आर जी ई, लार्ज, ये होगा, या एफ ए टी, फैट का मतलब तो मोटा है, तो दैट इज नॉट द करेक्ट वन, लार्ज, बिग का मतलब है लार्ज, ओके? स्पीक, टॉक, कंप्लीट, फिनिश, स्मॉल, लिटिल, सिक, इल, बिग, लार्ज, ओके चिल्ड्रेन? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Now, when you hear winter and summer, जब हम सुनते हैं विंटर और जब हम सुनते हैं समर, what are the words that come to your mind? जब हम विंटर सुनते हैं और विंटर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या बातें आती है, विंटर में क्या क्या होता है, क्या क्या हम करते हैं, क्या क्या हमें चाहिए। उसी तरह जब हम समर के बारे में सोचते हैं, गर्मियों के मौसम में, तब हमें क्या क्या चाहिए, हमारे दिमाग में क्या क्या आता है। Write these words in the bubbles. यहाँ पे bubbles देखा गया, आप दिख रहा है bubbles? इस bubbles में आपको लिखना है कि ये है winter season. अब winter season में आपको क्या क्या चाहिए, या आपके दिमाग में क्या क्या बातें आती है winter season में, ठंड के मौसम में। सबसे पहले तो जब ठंड ज्यादा लगती है तो हम क्या करते हैं,
गरम कॉफी पीते हैं, गरम सूप पीते हैं, घर में मम्मी सूप बनाती है हमारे लिए, है ना। और क्या करते हैं आपको यहाँ पे लिखना है, जैसा हम स्टार्ट करते हैं हॉट कॉफी, सो यू कैन राइट चिल्ड्रन हॉट कॉफी। मुझे तो हॉट कॉफी विंटर सीजन में बहुत पसंद है, सो आई एम गोइंग टू राइट हॉट कॉफी। और मुझे पता है बच्चों आपको हॉट चॉकलेट पसंद होगा, है ना, आपके दिमाग में जरूर आता होगा हॉट चॉकलेट। आप लिख सकते हैं हॉट चॉकलेट, चॉकोलेट, ठीक है। और घर में जैसे ठंड का मौसम आता है आपकी मम्मी क्या करती है, ट्रंक से स्वेटर निकालकर रख देती है, स्वेटर, एस W E A T E R, स्वेटर, ठीक है। और हॉट कॉफी, हॉट चॉकलेट, स्वेटर, स्कार्फ यहाँ पे लिखा हुआ है स्कार्फ। और ठंड के मौसम को जब सोचते हैं, यानी कि बाहर जब आप निकलेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, बहुत ज्यादा ठंड होने से कहीं आपको स्नो भी दिखाई देगा, है ना, स्नोफॉल, सो यू कैन राइट हियर स्नो। सो ऑल दिस थिंग्स हमारे दिमाग में आ सकता है, ठीक है। यू कैन थिंक ऑल दिस थिंग्स इन विंटर सीजन। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट समर सीजन। नाउ समर सीजन, समर सीजन में सबसे पहले आपके दिमाग में आइसक्रीम आता है बच्चों, ये मुझे पता है, एंड दैट इज ऑलरेडी रिटन हियर आइसक्रीम। अब इसके आगे आपको सोचना है, आइसक्रीम के अलावा आपको क्या क्या लिखना है बताइए। मुझे तो गर्मी के मौसम में कॉटन क्लोथ ही पहनना पसंद है, आई विल राइट कॉटन क्लोथ, कॉटन क्लोथ। और मुझे फ्रेश जूसेस पसंद है, है ना, फ्रेश जूस। फ्रेश जूस। और आपके दिमाग में जरूर एसी या कूलर आता होगा, यू कैन राइट एसी और कूलर। और आप क्या लिखना चाहते हैं गर्मी के मौसम में बताइए, यू कैन राइट व्हाट, यू कैन राइट। बाहर जब आप निकलते हैं तो अम्ब्रेला भी लेते हैं धूप से बचने के लिए, तो अम्ब्रेला भी लिख सकते हैं। और भी आप लिख सकते हैं बहुत सारी चीज, लेमनेड, बाहर हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं नींबू पानी जरूर अपने साथ लेकर जाते हैं गर्मी के मौसम में, तो यू कैन राइट लेमनेड आल्सो, एल ई एम ओ एन ए डी ई, लेमनेड। तो चिल्ड्रन और भी जो भी चीजें आपके दिमाग में आती हैं, यू कैन मेक मोर बबल्स एंड यू कैन राइट, ओके। सो लेट्स राइट। So children, this is a very interesting game. This is a coding game. ये है एक code gaming है जो आपको जरूर पसंद होगा। Letters with numbers are given in the box. Pick up the letters under each number and replace the number by writing it in the blank. Number one, the and dash is given. What do you have to do, children? Some letters are given here in the box, and for those letters one number is given. Here numbers are given. In place of this number, you have to find the alphabet and you have to write it. Then it will become a sentence or it will become a word. Let's see. क्या बनता है अब हम देखते हैं. 24 के लिए कौन सा अल्फाबेट से है देखिए. Where is 24? Yes, 24. For 24, G. G is here. You can write here G. ठीक है, आप G लिखेंगे. उसके बाद 15 के लिए क्या है R, R. और उसके बाद क्या है 3 के लिए क्या है A, यू विल राइट A. देन 23 दैट मींस 23 के लिए है S, सो यू विल राइट डबल S. दो 23 है तो डबल S लिखेंगे, दो S लिखेंगे. देन 21 के लिए क्या है यहाँ पे H. Now you can guess what is the word. अब आप जरूर guess कर पा रहे होंगे कि कौन सा word बन रहा है. Yes, it is grasshopper. So you have to find number 10.
टेन में कौन सा लेटर है? ओ, देन उसके बाद क्या है? 17, 17, दो बार 17 है, दैट मीन्स पी 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 पी. अब उसके बाद है 16, 16 में कौन सा लेटर है? ई ई. और अगेन फॉर 15 हमने यहाँ पे लिखा है आर, दैट विल बिकम ग्रास हॉपर. नाउ चिल्ड्रन यू हैव टू डीकोड दिस. अब ये कोड्स को आपको डीकोड करना है. ईच के आगे कौन सा वर्ड आएगा? 4 एंड 10. 4 में क्या है बच्चों? 4, 4 दैट मींस W. यू हैव टू राइट W. ओके, देन 10, 10 में क्या है? O. देन 15 में R है. देन 7, 7 में है, वेरी 7, वेरी 7, यस, M. देन 23 में S. तो द सेंटेंस हैज बिकम द ग्रास हॉपर ईट्स वर्म्स. ग्रास हॉपर जो टिड्डा है वो क्या खाते हैं? कीड़े को खाते हैं. सो चिल्ड्रन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इस तरह के डिकोडिंग वाला गेम आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ भी ये गेम खेल सकते हैं. यू कैन राइट सम मैसेज टू योर पेरेंट्स एंड टेल देम टू डिकोड दिस कोड. इस कोड को डिकोड करिए, ऐसा आप अपने पेरेंट्स से बोल सकते हैं. यू कैन राइट सम लवली मैसेजेस फॉर देम. ओके, और भी इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं. यू हैव टू डिकोड दिस कोड. यहाँ पे जो कोड दिया है, यू हैव टू सी दिस अल्फाबेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. दिस वन इज फॉर योर होमवर्क. यू कैन डू इट एट योर होम और विद योर फ्रेंड्स. ओके चिल्ड्रन, अंडर पिक्चर ए सेंटेंसेस डिस्क्राइब व्हाट ईच पर्सन और एनिमल इज डूइंग. यहाँ पे पिक्चर ए एंड पिक्चर बी, यू कैन सी चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं टू पिक्चर्स आर गिवन, पिक्चर ए एंड पिक्चर बी. अंडर पिक्चर ए सेंटेंसेस डिस्क्राइब ईच पर्सन एंड एनिमल. इस पिक्चर्स के कुछ सेंटेंसेस है जो हम अगले स्लाइड में देखेंगे. अंडर पिक्चर बी राइट डाउन व्हाट ईच इज डूइंग. और नेक्स्ट पिक्चर जो पिक्चर बी है उसके लिए हमको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं. यूज द वर्ड्स ही शी इट दे इंस्टेड ऑफ अ लेडी, अ मैन, टू गर्ल्स एंड अ डॉग. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैन है, लेडी है, गर्ल्स आर देयर, है ना, डॉग इज देयर. बट यू शुड नॉट राइट लेडी, यू शुड नॉट राइट गर्ल्स, यू शुड नॉट राइट डॉग. इन प्लेस ऑफ दिस नाउन, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, इन प्लेस ऑफ नाउन वी हैव टू यूज द वर्ड ही शी इट एंड दे. एंड व्हाट आर दिस वर्ड्स? ये वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? यस, प्रोनाउन, द वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन. नाउन के बदले में हम जो वर्ड यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. तो नाउ यू हैव टू यूज दिस प्रोनाउंस एंड मेक सेंटेंसेस. फॉर पिक्चर ए सम सेंटेंसेस आर गिवन, वी विल सी नाउ. सी हियर, फॉर पिक्चर ए सेंटेंसेस आर गिवन, अ लेडी इज साइकिलिंग. यहाँ पे नाउन यूज किया गया है, अ लेडी इज साइकिलिंग. यू कैन सी अ लेडी इज साइकिलिंग. अ मैन इज रनिंग, अ मैन इज रनिंग. टू गर्ल्स आर प्लेइंग, टू गर्ल्स आर प्लेइंग. A dog is sleeping, a dog is sleeping. But the picture is different in B. यहाँ पे B picture में something different is there. So you have to write sentences for this, but you should not use lady, you should not use man, you should not use girls and you should not use dog. So in place of this noun, you have to use the pronoun. So we will write the sentences, okay? The lady is cutting grass. ये लेडी क्या कर रही है? ग्रास को कट कर रही है. तो द लेडी, यू विल नॉट राइट लेडी, यू विल राइट शी. शी इज कटिंग ग्रास. इन दिस पिक्चर द लेडी वॉज साइकिलिंग. यहाँ पे वो साइकिलिंग कर रही है, बट हियर शी इज कटिंग ग्रास. अ मैन इज रनिंग, इन दिस पिक्चर द मैन इज रनिंग, बट इन दिस पिक्चर ही इज स्लीपिंग.
He is sleeping. Two girls are playing. Two girls are playing. Here the two girls are skipping. They are skipping. Skipping. A dog is sleeping. Here the dog is sleeping. But here it is eating. यहाँ पे वो खा रहा है कुछ. It is Children, in this exercise we have learnt noun and pronoun. Here lady, man, girls, dog. All these are noun, and here she, he, they and it. All these are pronoun which is used instead of this nouns. Okay, aapko samajh aaya nouns and pronouns. Okay, let's see the next exercise. So dear children, here we come to the end of the lesson. यहाँ पे हमने लेसन को एंड किया. बट यू शुड रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ दिस लेसन एंड व्हाट इज द मॉरल फॉर दिस स्टोरी. इस स्टोरी में हमने मॉरल क्या सीखा कि यू शुड मैनेज योर टाइम, यू शुड बी हार्ड वर्किंग, यू शुड कीप वर्किंग फॉर द फ्यूचर. अपने फ्यूचर के लिए आज हमें काम करना चाहिए. आज हम मेहनत करेंगे तो हमारा फ्यूचर हमारे लिए अच्छा होगा. That is the moral in this story. Okay children, I hope you all have understood the story very well. And I want that children, you must read the lesson again and again. And you must do the exercises. You must practice the exercises at your home. And if any doubt comes, you can ask your teacher or you can watch this video again so that you can understand very well. So children, we will meet in the next class. Till then, take care. Bye-bye.